हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो मैं आज ये मान करके चल रहा हूँ कि आप वही हैं जिसका लैपटॉप गेम खेलते टाइम 2 लीटर के पानी को 1 घंटे के गेम प्ले में उबाल देता है। ठंडी के मौसम में परिवार, पड़ोस, मोहल्ले वाले तुम्हारे लैपटॉप के चारों तरफ बैठना पसंद करते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए है। हम लाए हैं कुछ 8 ऐसे जुगाड़ जिसकी मदद से आप वापस अपना सुकून भरा अकेलापन के साथ गेमिंग सेशन कर पाएंगे। तो चलते हैं आगे उपायों की तरफ। वैसे बता दूं, एक्सेप्ट दीज उपाय और भी कई कारण हो सकते हैं जिसको हम बीच बीच में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो है कीप इट क्लीन। वैसे कुछ लैपटॉप्स जो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी होते हैं एंड एक छोटे से एप्लीकेशन की मदद से लैपटॉप के फैंस को ऑटोमेटिकली हाई स्पीड पे शायद उल्टा चला करके अंदर के बरसाती जंगल को क्लीन कर लेते हैं, बट जो नहीं कर पाते हैं उनके वेंट्स को आप जितना क्लीन रखेंगे उतना अच्छा साफ सुथरा हवा अंदर जाएगा एंड वो लैपटॉप में उपस्थित कंपोनेंट्स को ठंडा रखेगा। इफ पॉसिबल लैपटॉप को एटलीस्ट हर 6 महीने में एक बार पूरा ओपन करके क्लीन कर लेना चाहिए। इससे आपके कंपोनेंट्स की लाइफ भी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके लिए आप कोई भी छोटा सा टूल खरीद सकते हैं, लाइक एक टूल का जिसका मैंने रिव्यू कुछ साल पहले किया था, स्टिल वर्क्स वेरी गुड। अब जब आपने 1 लाख का लैपटॉप लिया है तो उसको साफ रखने के लिए 260 रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं। ऑल्सो सम लैपटॉप्स कीबोर्ड से भी हवा अंदर की तरफ खींचते हैं, ऐसे लैपटॉप्स के ऊपर खाने की कोशिश मत करो, अगर कुछ अटक गया तो निकलेगा भी नहीं एंड इसकी वजह से कीड़े मकोड़े चींटियां अलग घर बसाएंगे तुम्हारे डब्बे के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर लैपटॉप बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लैपटॉप का फेल सेफ मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार का होता है कि वो अपने प्रोसेसर या चिप को डैमेज होने से बचाने के लिए स्लोली थ्रॉटल करने लगता है, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है एंड देन आप उसको सेफली ऑपरेट कर पाएंगे। बट स्टिल उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, चेक योर थर्मल पेस्ट। सो अगर आपका काम बहुत ज्यादा इंटेंसिव है जो प्रोसेसर या जीपीयू पे काफी ज्यादा लोड देता है, देन आई वुड से कि शायद आपको हर 6 महीने में अपना थर्मल पेस्ट बदल लेना चाहिए। इससे आपके कंपोनेंट्स को हीट डिसिपेट करने में काफी मदद मिलता है, वरना थर्मल पेस्ट जितना पुराना होता जाएगा, यूज होता जाएगा, उतना वो हार्ड होता जाएगा, जिससे आपका हीट ट्रांसफर एफिशिएंट नहीं रह जाएगा एंड बेनिफिट भी कम मिलेगा। सो डिपेंड्स ऑन योर यूज, इसको चेंज करना अच्छा है। मैंने कुछ अच्छे थर्मल पेस्ट के लिंक्स नीचे दिए हैं, यू कैन ट्राई दोज इफ इंटरेस्टेड। ऑल्सो वारंटी खत्म होने से पहले मेरे हिसाब से अपना थर्मल पेस्ट एक बार बदलवा लेना ही बेहतर है। जनरल यूजर्स 1-2 साल में भी थर्मल पेस्ट बदल सकते हैं अगर आपका यूज बहुत ज्यादा इंटेंसिव नहीं है तो। पॉइंट नंबर 3 इज रिसोर्स का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आपने पीछे में एक गेम डाउनलोड में लगा दिया है, गाना भी सुन रहे हैं एंड साथ में एक इंटेंसिव गेम भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे में आपका लैपटॉप गेम के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्स से भी बहुत ज्यादा रिसोर्स को बिजी करेगा एंड ज्यादा पावर के डिमांड करेगा। उससे आपका प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स भी बेवजह ही ज्यादा गर्म होंगे। सो डोंट डू दैट। इसका असर बाकी कंपोनेंट्स पर भी पड़ता है। सो ये बात आप याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंसिव या फिर नॉर्मल गेम भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में कुछ भी ना रखें, हो सके तो कुछ रिसोर्सेज को किल ही कर दें यूजिंग टास्क मैनेजर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सम गेम्स आर वेरी रिसोर्स इंटेंसिव एज वेल, तो वो तो आपके कंपोनेंट्स के रिसोर्सेज को चूसेगा ही। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप ऐसे गेम्स को थोड़ा देर ही खेलें एंड सांस लेने के लिए आपके लैपटॉप को थोड़ा समय दें, उसके बाद आप फिर से गेम को ट्राई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कीप इट ऑन प्लेन सरफेस एंड एयर फ्लो का कुछ जुगाड़ बनाओ। ये उन लोगों के लिए जो बिस्तर, सोफा सेट, तकिया एंड कपड़ों के भंडार को ही अपना कर्म क्षेत्र मान करके उस पे ही दिन भर लुढ़के रहते हैं विद देयर लैपटॉप्स। सो भाई ऐसा है कि लैपटॉप के पीछे आगे जो बने हुए छिद्र हैं उसको अंदर झांकने के लिए नहीं बनाया गया है, उसका काम अंदर तक हवा पहुंचाना एंड गर्म हवा को बाहर निकालना है। बिस्तर में रखने से आपके लैपटॉप का हर छिद्र बंद हो जाता है एंड अंदर ही अंदर लैपटॉप धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। एक दिन बस धीरे से निपट जाएगा एंड तुम यहाँ उसको पीछे से ठोकते रह जाओगे, अरे चलता क्यों नहीं है ये। इसलिए अपने लैपटॉप को ऑलवेज प्लेन सरफेस में ही रख करके यूज करें एंड इफ पॉसिबल एक छोटा सा बॉटल कैप या फिर कुछ बहुत ही छोटा एंड स्ट्रॉन्ग उसको लैपटॉप के नीचे जहां पर वेंट्स नहीं है लगा करके देखें, ताकि एक्स्ट्रा फ्लो मिले आपके लैपटॉप को एंड और ज्यादा कूलिंग सिस्टम बेहतरीन परफॉर्म कर सके। वैसे कूलिंग पैड्स भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी आपके लैपटॉप को थोड़ा लिफ्ट करेगा एंड एक्स्ट्रा एयर फ्लो देगा, बट आई डोंट थिंक वो इन बॉटल कैप्स वाली हरकत से बहुत ज्यादा डिफरेंस दे पाएगा। इफ पॉसिबल एक अच्छा हवादार प्लेस में अपने लैपटॉप को रखने का प्रयास करें, जैसे कि खिड़की। हाँ, अगर धूल भरी आंधी आपके खिड़की के द्वारा आपके घर के अंदर आती है तो ऐसे प्लेस में मत रखना, वरना आपका लैपटॉप जाएगा तो 1 इंच का
बन के 3 इंच का आएगा, बाकी 2 इंच धूल भरा लेयर ही रहेगा, सो अवॉइड दैट। पॉइंट नंबर 5, सो ये पॉइंट कुछ लोग मिस कर जाते हैं बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर लैपटॉप अवे फ्रॉम गैजेट्स और मशीन्स जो खुद दिन भर उबलते रहते हैं, लाइक फ्रिज के पीछे का हिस्सा, हैवी मशीनरी, बड़ा बल्ब अगर तुम्हारे पास कहीं लगा हुआ है तो उसको अवॉइड करो। ऑल्सो अपने लैपटॉप को धूप में यूज करने की कोशिश ना करें, वो आपको तो विटामिन डी देगा लेकिन लैपटॉप को भस्म कर देगा धीरे धीरे। सो ट्राई टू कीप इट इन अ गुड एयर फ्लो एंड कूल एरिया। पॉइंट नंबर 6 इज पावर मैनेजमेंट। ये भी एक ट्रिक है जो आपके लैपटॉप को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। फॉर दिस जस्ट टाइप एडिट पावर प्लान ऑन सर्च बार, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं, एक बार विंडो ओपन हो जाए उसके बाद में सेलेक्ट चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग्स, इसको क्लिक करने के बाद भी एक नया विंडो ओपन होगा, वहां से आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहां आपको चूज करना है प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट। एक बार ये प्लस साइन पे क्लिक करने पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको चूज करना है मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट। इसको आप कुछ परसेंटेज कम कर सकते हैं, लाइक 95, 96 एक्सेट्रा बेस्ड ऑन योर प्रोसेसर परफॉर्मेंस। इससे आपके प्रोसेसर के परफॉर्मेंस में थोड़ा का ही अंतर आएगा बट टेम्परेचर में काफी का अंतर नोटिस किया गया है कई लोगों के द्वारा, सो इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। याद रहे बहुत ज्यादा कम मत कर देना वरना आपका सीपीयू ठंडा तो रहेगा बट अंडर परफॉर्म करने लगेगा। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको ट्राई करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया। पॉइंट नंबर 7, अंडरवोल्ट योर सीपीयू। सो इसके लिए थोड़ा टेक्निकल होना जरूरी है आपको, अगर नहीं मालूम तो मैं एक वीडियो का लिंक आपको देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ट्राई दैट बट केयरफुली। ये भी काफी मददगार है आपके कंपोनेंट्स को कूल रखने में। अंडरवोल्ट एक्चुअली आपके सीपीयू या जीपीयू को कम पावर सप्लाई करता है बट उसका डिफॉल्ट क्लॉक स्पीड को मेंटेन रखता है। सो कम पावर सप्लाई की वजह से हीट भी कम जनरेट होता है एंड कंपोनेंट्स को थोड़ा एक्स्ट्रा लाइफ एंड लेस स्ट्रेस मिलता है। पॉइंट नंबर 8, अगर ऊपर वाले सारे पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपने लैपटॉप का कूलिंग फैन चेक करना चाहिए, मे बी ये फॉल्टी हो। इसके लिए आप अपना कान वेंट्स के सामने लगाएं, अगर आपको कुछ टूटा फूटा अंदर चलता हुआ आवाज आए या फिर दोनों फैन में से सही से एयर फ्लो हो रहा है या नहीं, इसका आवाज आपको पता चलेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर वारंटी में है तो आपको उनसे एक बार चेक करवा लेना चाहिए या तो फिर खुद खोल लो अगर कॉन्फिडेंस है तो, वरना पैसे दे करके खोलने पड़ेंगे। सो श्योर हो तो उसके बाद में ही जा करके चेक करवाना, बट चेक एक बार जरूर करवा लेना अगर कुछ गड़बड़ भरा आवाज अंदर से आता है तो। ओवरऑल लैपटॉप को ज्यादा गर्म होने नहीं दें, उसमें ही आपके एंड आपके परिवार वालों की भलाई है, वरना नया लैपटॉप लेने के लिए किसी न किसी के जेब को तो बलि देना पड़ सकता है एंड वो परिस्थिति आया तो याद रहे अर्णब गोस्वामी की जिंदगी भी बहुत अच्छी लगने लगेगी, इसलिए ढंग से मेंटेन करने पे उसका लाइफ भी बढ़ेगा एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा आपके काम आ सकता है। याद रहे अगर आपका लैपटॉप सेफ टेम्परेचर के अंदर है तो कोई बात नहीं, वरना आपको चिंता करना बनता है। अब ये जानना कि सेफ टेम्परेचर इसका क्या है, डू फॉलो लेफ्ट वाला वीडियो। ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं कि थर्मल पेस्ट कैसे अप्लाई करना है तो नीचे के लेफ्ट वाले वीडियो को ट्राई करो। एंड आई गेस अगर आप इस वीडियो में हैं तो एक गेमर ही होंगे, तो मे बी राइट वाला वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ सकता है। एंड अगर ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।